हरे कृष्णा। ओम अज्ञानति मिनांधस्य ज्ञानांजने श्लाघया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवै नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सव्यं रूपकदमयं ददाति सोपतांतिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसति गौर भक्तवृंद की जय हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपी का कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ता कंचना गौरंगी राधे बृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणामामि हरिप्रिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा श्लोक लेकर वास्तव में भगवत गीता हो, भागवत हो, सत्संग हो, साधु हो, संत हो, सद्गुरु हो, मंदिर हो, ये सब वो बहाने हैं जिनके माध्यम से हमें कृष्ण को याद करना है। क्योंकि हमारा मन जो है ना खुद ब खुद इतना जल्दी तैयार नहीं होता है, तो फिर ये सब साधन है जो हमें कृष्ण को याद कराने में सहायता करते हैं। जैसे हम जब छोटे थे तो स्कूल से हमें जब कुछ होमवर्क मिलता था तो हमारी माताजी सहायता करती थी उस चीज को याद करने में। बिल्कुल उसी तरह से सत्संग, भगवत गीता, भागवत, संत महापुरुष, सतगुरु, मंदिर, ये सब वो साधन है जो हमें कृष्ण को याद करने में मदद करते हैं। क्योंकि कृष्ण को याद करना ही तो हमारे जीवन की सफलता है, और कृष्ण को भूल जाना सबसे बड़ा नुकसान है। और जो भी हमें कृष्ण को याद करने में हमारी सहायता करता है वो हमारा सबसे अच्छा हितेशी है, वो हमारा सबसे बड़ा हितेशी है। जो हमें कृष्ण को याद करने में सहायता करता है हमारी, वो हमारा बेस्ट फ्रेंड है। मेरी माताओं बहनों मित्रों वैष्णवो, शिला प्रभुपाद जी महाराज अपने एक कोट में कहते हैं कि जो भी संसार में चर अचर हम देख रहे हैं, इस सब का सब कृष्ण का है, इसका मालिक कृष्ण, उसका मालिक कृष्ण है, प्रोप्राइटर कृष्ण, उसका स्वामी कृष्ण, उसका प्रभु कृष्ण। इस्य वास्य सर्व इदम्, कि जो भी हमें दिख रहा है या जो हमें नहीं दिख रहा उसमें हम भी आ गए, हमारा मालिक कृष्ण है। और कृष्ण ने कृपा करके हमारी फेवर की, हमारी सहायता की, और हमें बहुत सारे साधन दिए। याद रखना, जो भी हमें प्यार करते हैं
जो हमारी सहायता करते हैं, जो हमारी मदद करते हैं, उस सब के सब कृष्ण की कृपा के द्वारा ही संभव है। वही हमारी फेवर करते हैं कृष्ण। तो ये सारे हमें लोग मिले, सारे साधन मिले, सारा साधन संपन्न हुए, लेकिन एक खतरा है, जब यह सब मिले माया का आक्रमण स्टार्ट हो जाता है। होना तो ये चाहिए कि जब हमें ये सब मिले तो हमें कृष्ण का शुक्र करना चाहिए, धन्यवाद कृष्ण, धन्यवाद कृष्ण, धन्यवाद कृष्ण, धन्यवाद कृष्ण, कृष्ण का आभार प्रकट करना है और कृष्ण को याद रखना है, कृष्ण का स्मरण करना है। लेकिन जैसे जैसे हमें प्यार करने वाले लोग मिलते हैं, हमें संभालने वाले लोग मिलते हैं, हमारी सहायता करने वाले लोग मिलते हैं, हम जैसे जैसे साधन संपन्न होते जाते हैं और जैसे जैसे हमारे जीवन में सुख के साधन बढ़ते जाते हैं, माया तुरंत अपना काम करती है और हम कृष्ण को भूलने लगते हैं। और कृष्ण को भूल जाना हमारे जीवन की सबसे बड़ी विफलता है। ये जो रोज मैं आता हूं, चाहे 10-15 मिनट ही सही, हालांकि मैं आपको बहुत आज स्पष्ट कहता हूं कि ऐसे कैमरे के सामने मुझसे सत्संग नहीं हो रही है, क्योंकि जब आप सब होते हो मेरे सामने तो एक प्रेरणा मिलती है, एक रिस्पॉन्स होता है। एक एक्सप्रेशन होती है, वक्ता और श्रोता का एक अद्भुत संबंध है। वक्ता को प्रेरणा श्रोताओं से मिलती है, तो वो फिर एक धारा प्रवाह कथा चलती है। लेकिन सामने मात्र कैमरा हो, लेकिन फिर भी मैं अपने स्वभाव के विपरीत कैमरे के सामने बैठकर भी, क्योंकि आज तक मेरे जीवन में कभी कृष्ण कृपा से ऐसा संयोग आया नहीं है कि मेरे सामने श्रोता ना हो। मैंने आरंभ से ही कृष्ण कृपा से मेरा श्रोताओं के साथ संबंध जुड़ गया था। जब मैंने आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश किया था और सत्संग करना आरंभ किया था, वो आरंभिक दिनों से ही मुझे श्रोता कृष्ण कृपा से मिलने लगे थे, और आप सब मिल गए, खुल चुके हैं। अब फिर से आप अपना रूटीन बनाओ, क्योंकि 6-7 महीने में आपका सारा रूटीन बिगड़ गया होगा और वो सबसे बड़ा माया का आक्रमण हुआ होगा। जब आपका रूटीन मंदिर की तरफ आना डिस्टर्ब हो गया होगा, ये भी माया का एक बहुत बड़ा आक्रमण है, क्योंकि कोरोना खुद एक माया का ही रूप है, माया रूपी राक्षस आया है कोरोना के रूप में लोगों को अस्त व्यस्त करने के लिए। और इस जैसे पहले राक्षस आते थे लोगों को अस्त व्यस्त, समाज को अस्त व्यस्त करने के लिए, ऐसे अब ये कोरोना के रूप में राक्षस आया है, ताकि सबको यह, और कईयों को राक्षस मार भी डालते थे, कई बेचारे भाग जाते थे, कई डर के मारे घरों में दुबक जाते थे, तो आज वही भय का वातावरण है। लेकिन अब मंदिर खुल चुके हैं, आप अपना रूटीन फिर से बनाइए दर्शन करने का, जैसे आते थे ऐसे आइए। ये अलग बात है कि हम ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि सत्संग नहीं है, लेकिन राधा वृंदावन चंद्र तो है। और इतने दिन तक लोग मुझे कहते थे बापू मंदिर नहीं खुल रहे हैं, बापू मंदिर नहीं खुल रहे हैं, मंदिर नहीं खुल रहे, अब तो मंदिर खुल गए, लेकिन अब माया ने आपका रूटीन खराब कर दिया होगा। पहले वही रूटीन था, अभी भी आइए, मैं तो आप लोगों से कहता हूँ मंगल आरती में आइए, दर्शन कीजिए और चले जाइए, तो मंगल दर्शन तो हो जाएंगे आपके। श्रृंगार दर्शन में आइए, दर्शन कीजिए, चले जाइए, सारा दिन दर्शन खुले हैं, आइए दर्शन कीजिए, चले जाइए, संध्या में आइए दर्शन कीजिए, चले जाइए, और फिर
सायकाल में रात्रि दर्शन आइए, दर्शन तो खुल गए लेकिन सावधानी के साथ, सामाजिक दूरी के साथ, मास्क होना अनिवार्य है। ये आपका भी भला है और दूसरों का भी भला है, क्योंकि जब आप बाहर जाएंगे तो बाहर से जब आप अपने घर में जाते हैं तो पूरे परिवार के लिए एक रिस्क होता है। आपकी जरा सी भी असावधानी आपके परिवार के लिए भी मुसीबत खड़ी कर सकती है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, लेकिन सावधानी अच्छी बात है। तो मास्क लगाइए, हैंड सैनिटाइज कीजिए, जैसे कि मैं बोलता हूँ साबुन से हाथ धोइए, और आइए मंदिर में दर्शन कीजिए। अब खुल गए हैं मंदिर, राधा वृंदावन चंद्र भी आपको देख के बड़े खुश होंगे, बड़े प्रसन्न होंगे। तो बात यहाँ कर रहा था कि माया आक्रमण कर देती है और माया ने हम सबों के रूटीन खराब कर दिए। लेकिन हाँ, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप लोग जहाँ भी होंगे, जिस शहर में भी होंगे, जिस अवस्था में भी होंगे, कृष्ण नाम का भजन तो कर रही होंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल मंदिर खुले, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत कृष्ण का आभार व्यक्त किया। और जब आप लोगों को मैं मंदिर में आता देखता हूँ, और जब आप लोग मुझे मंदिर में कल मिले, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुआ। और अब उम्मीद करता हूँ कि हम मिलते रहेंगे, मेरा ठाकुर। तो बात यहाँ से चल रही थी कि मेरे ठाकुर ने जैसे जैसे हमें सहूलतें, सुख सुविधाएं दी, प्यार करने वाले लोग दिए, हमदर्दी करने वाले लोग दिए, अपनापन के लोग दिए, साधन संपन्न किया, सुख सुविधाएं दी, तो माया ने अटैक कर दिया और हम कृष्ण को भूल बैठे। और जब हम कृष्ण को भूल बैठे तो ये हमारे जीवन की वो भूल है जिसका नुकसान की भरपाई कहीं नहीं हो सकती। इसलिए कृष्ण खुद यहाँ पे 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में वही बात कहते हैं जो 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में की, मन मना भव मत भक्तो मद्याजी ममनुस, तुम सदैव जो है मेरा मनन करते रहो। माम एव यश्यसि युक्तवा एवं आत्मनम मत परायण, अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतः तलीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। तो ये सत्संग, साधु संत, महात्मा, गुरु महाराज, हरि कथा, कीर्तन, भागवत, भगवद गीता, मंदिर, ये सब वो साधन है जहाँ से हम कृष्ण को याद कर सकते हैं, कृष्ण के साथ रह सकते हैं, जी सकते हैं, कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। और कृष्ण को याद करना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। याद रखना, माया आपको हमेशा तैयार बैठी है कृष्ण को भुलाने के लिए, लेकिन उसके चुंगल में मत फंसना। सदैव बजते रहो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल फिर मिलेंगे, तब तक बजते रहो जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।